हाउ आर ज़ीनन क्लोराइड्स एक्स ई एफ टू, एक्स ई एफ फोर एंड एक्स ई एफ सिक्स ऑब्टेन्ड? तो ये कैसे बनाए जाते हैं? तो ये आपको रिएक्शन कंडीशंस ये याद रखनी है इसकी, ठीक है? देखो, ज़ीनन गैस और फ्लोरीन गैस तीनों में रिएक्टेंट तो यही है, ज़ीनन गैस और फ्लोरीन गैस। यहाँ देखो, इसमें फ्लोरीन कम है, इसमें फ्लोरीन ज्यादा है, इसमें फ्लोरीन और ज्यादा है, सही हो रहा है ना? तो आप रिएक्शन में भी देखो, यहाँ पे ज़ीनन ज्यादा ले लोगे क्योंकि फ्लोरीन यहाँ कम है ना, तो ज़ीनन एक्सेस में ले लोगे तो एक्स ई एफ टू बनेगा। अगर थोड़ी सी फ्लोरीन बढ़ाओगे 1:5 में, फ्लोरीन 5 और ज़ीनन 1:5 में लोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, एक्स ई एफ फोर बनेगा। अगर 1:20 में लेते हो तो एक्स ई एफ सिक्स बनेगा। रेशियो याद रखना, पूछ याद इंपॉर्टेंट है ये। और कंडीशंस क्या है देखो, पीछे तो 73 ही है सबके, पीछे तो सबके 73 ही है ना, तो ये 6, 8, 5, 685 है, ये 685 है। तो केल्विन में है ये, डिग्री सेंटीग्रेड में रखना यह ज़्यादा आसान होगा। 400, ये कितना है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये बताओ। हाँ, अरे 300, 273 माइनस करना होता है ना, केल्विन से 273 माइनस करना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो ये है, ये 400 पे, 600 पे, ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ रखो, लिखता है पेपर में केल्विन में देना, हो जाएगा यार 400, 600, फिर 300। और प्रेशर यहाँ क्या, 1 बार, 7 बार, यहाँ पे 60 से 70 बार, क्योंकि टेम्परेचर कम कर दिया ना तो प्रेशर बढ़ाना पड़ गया, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 60 से 70 बार प्रेशर हाई है, टेम्परेचर कम है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? यहाँ पे दोनों हाई है, मतलब मीडियम से है, प्रेशर मीडियम से 7 बार और टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 1 बार और 400 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ये कंडीशंस याद कर ली। फिर देखो, हाउ आर एक्स ई ओ थ्री एंड एक्स ई ओ एफ फोर ऑब्टेन्ड? देखो, अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे एक्स ई एफ सिक्स का या फिर एक्स ई एफ फोर का, तो आपको एक्स ई ओ थ्री मिलेगा। तो पहले ये देखो, एक्स ई एफ सिक्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, देखो एक्स ई एफ सिक्स है ना, पहले तो प्रोडक्ट कैसे बनाना वो सिखा रहा हूँ। वाटर में क्या होता है, H2O, ऑक्सीजन -2 होता है और फ्लोरीन -1 होता है। तो दो फ्लोरीन जाएगा तो एक ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना? दो फ्लोरीन जाएगा तो एक ऑक्सीजन आएगा, तो फ्लोरीन कितने है, 6। तो 6 फ्लोरीन जाएंगे तो ऑक्सीजन कितने आएंगे, 3, 3 आएंगे ना, एक्स ई ओ थ्री। तो 3 वाटर चाहिए, 3 वाटर में 6H+ है, तो वो 6H+ 6F नेगेटिव के साथ जाके 6HF बना देंगे। ये देखो, यही हो रहा है, समझ में आ गई बात? इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये बनता है। फिर क्या है, इसी का एक्स ई एफ सिक्स का हाइड्रोलिसिस 3 स्टेप में होता है, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो इसका मैं कंप्लीट आपको हाइड्रोलिसिस समझा देता हूँ पहले, एक्स ई एफ सिक्स का। तो देखो, एक्स ई एफ सिक्स, अगर आप इसके 2 फ्लोरीन उठा के 1 ऑक्सीजन लगाओगे तो 1 वाटर के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स ई ओ एफ फोर बन जाएगा ना, और 2HF बनेगा, नहीं बनेगा, 2 फ्लोरीन हटा के 1 ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये होगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। फिर क्या है, इसका XeOF4 ले लो, ठीक है, और इसका फिर से आप हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब इसका एक 2F2 उठा के उसकी जगह एक O आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, XeO2F2 +2HF, समझ में आ गई बात है? दूसरे 2 बार हो गया हाइड्रोलिसिस, फिर है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस।
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। फिर ये है, ये जो दो एफ बच गए इसको भी हटाना है, एक्स ई ओ टू एफ टू प्लस एच टू ओ, तो एक्स ई ओ थ्री, दो एफ हटा के एक ऑक्सीजन लगा दिया, प्लस टू एच एफ, ये हो गया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। में क्या जोड़ दो ना रिएक्शन को, जोड़ दोगे तो टोटली यही बनेगा ना फिर, समझ में आ गया बात। तो इसका हाइड्रोलिसिस तीन स्टेप में होता है, एक्स ई एफ सिक्स का। अब उसने क्या क्या पूछा था, एक्स ई ओ एफ फोर और एक्स ई ओ थ्री, तो ये रहा एक्स ई ओ एफ फोर मतलब इसके पार्शियल हाइड्रोलिसिस से, एक्स ई ओ थ्री मतलब इसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से। तो देखो ये बात, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये समझ में आ गई। अब है बाकी जिनन के फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस भी हमको याद करना है, ठीक है, वो भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। देखो एक्स ई, जिनन के और कौन सा फ्लोराइड होता है, एक्स ई एफ टू, एक्स ई एफ टू का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो ना, ये जिनन बनेगा, एच एफ बनेगा और ओ टू बनेगा, समझ में आ गई बात। मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें हुआ क्या है, ऑक्सीजन ने जीनन को रिड्यूस कर दिया, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, जीनन का यहाँ कितना है, प्लस टू, यहाँ जीरो, तो जीनन रिड्यूस हो गया ना, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीजन माइनस टू से जीरो, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज है, और इसको इसने रिड्यूस कर दिया। एफ नेगेटिव तो एफ नेगेटिव ही है, माइनस वन से माइनस वन, इसने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बैलेंस करना तो आपको आता ही है, तो बैलेंस कर लेना, ठीक है। टू यहाँ, टू टू फोर, ये इस तरह से बैलेंस कर लोगे इसका हाइड्रोलिसिस। एक्स ई एफ टू के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, वाटर जो होता है वो जीनन को ऑक्सीडाइज करके, रिड्यूस करके जीनन बना देता है, और वाटर खुद ऑक्सीडाइज होके ओ टू बन जाता है, ये है इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स ई एफ टू। ओके, फिर है एक्स ई एफ फोर का हाइड्रोलिसिस। एक्स ई एफ फोर का हाइड्रोलिसिस ना आपको याद करना पड़ेगा, इसका मैं आपको हिंट बताता हूँ कैसे याद करना है। एक्स ई एफ टू का कर लिया याद हाइड्रोलिसिस, मुझे प्रोडक्ट बताओ, जब आप एक्स ई एफ टू का हाइड्रोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, जीनन, एच एफ और ओ टू। जब आप एक्स ई एफ सिक्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो, एक्स ई एफ सिक्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो, क्या बनता है, XCO3। एक्स ई ओ थ्री बनता है और एच एफ बनता है। जब आप एक्स ई एफ फोर का करोगे ना, तो सारा कुछ बनेगा, जीनन भी बनेगा, एच एफ भी बनेगा, ओ टू भी बनेगा, एक्स ई ओ थ्री भी बनेगा, ऐसे याद रख लो, समझ में आ गई बात है। एक्स ई एफ फोर का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या क्या बनेगा, जीनन भी बनेगा, एच एफ भी बनेगा, ओ टू भी बनेगा, एक्स ई ओ थ्री, सारा कुछ बनेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन लिख देता हूँ, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना इसके हाइड्रोसिस पूछते हैं, ये मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी, ठीक है। तीनों के हाइड्रोसिस हो गए, अब उसने क्या क्या पूछा था, एक्स ई ओ थ्री बनाना था, तो एक्स ई ओ थ्री कैसे बना सकते हो आप, एक्स ई एफ फोर के हाइड्रोलिसिस से भी, एक्स ई ओ थ्री एक्स ई एफ फोर के हाइड्रोलिसिस से भी बना सकते हो। देखो हीरा है क्या, नहीं, एक्स ई एफ फोर के हाइड्रोलिसिस से भी एक्स सी ओ थ्री बन गया ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसकी बैलेंस इक्वेशन पूछी थी, तो इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस ही है, एक्स सी एफ टू प्लस एच टू ओ गिव्स एक्स ई टू एफ टू, मतलब दो ऑक्सीजन लगा दिए, दो ऑक्सीजन लगा दिए मतलब दो बार हाइड्रोलिसिस किया, क्योंकि एक बार हाइड्रोलिसिस करने पे दो एफ हट के एक ओ आता है, तो दो बार कर दो, दो एच टू ओ लग गए, ये तो हमने कर ही लिया, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। डज हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स ई एफ सिक्स लीड टू ए रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं जिसमें किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो,
देखो आप इसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, जीनन यहाँ +6 में है, यहाँ पे भी जीनन +6 में ही है, हाइड्रोजन यहाँ +1 में, यहाँ पे भी +1 में, फ्लोरीन यहाँ -1, यहाँ पे भी -1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन दोनों जगह -2 में है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए एक रेडॉक्स रिएक्शन ये नहीं है। ओके गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ अ नोबल गैस कंपाउंड विच इज आइसो स्ट्रक्चरल विद ICl4-। तो आपको नोबल गैस का कोई कंपाउंड बताना है। नोबल गैस मतलब देखो नोबल गैस कौन कौन सी होती है बताओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन। इनमें से इन तीनों के तो कंपाउंड है ही नहीं कोई, ठीक है ना, इनके बहुत कम है, फ्लोराइड ही होते हैं इनके जो हमने देखे हैं, तो मतलब जीनन के ऑप्शन ही आपको चेक करने पड़ेंगे, हमारे सिलेबस में जीनन के कंपाउंड है ज्यादा। तो अगर उसने पूछा है नोबल गैस का कोई कंपाउंड बताओ, तो आप जीनन के कंपाउंड के बारे में सोचना शुरू कर दो, ठीक है ना, जो किस आइसो स्ट्रक्चरल हो, जिसकी स्ट्रक्चर इन इसके जैसी हो, इसके जैसी हो, या फिर इसके जैसी हो, देखते हैं। देखो आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड कौन से होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, स्ट्रक्चर सेम होना पता कैसे गैस करोगे, एक तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो सेम हो, एक नंबर ऑफ एटम सेम हो, तो स्ट्रक्चर सेम ही होगा। क्या क्या सेम हो, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम हो और नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, तो उसका स्ट्रक्चर सेम ही होगा। अब यहां देखो ICl4- की बात कर रहा है, और वो इसका हमको कौन सा बताना कंपाउंड जो किसी नोबल गैस के साथ आइसो स्ट्रक्चर लो। अब आयोडीन कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 17 में आता है, अगर आयोडीन को एक इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो ग्रुप 18 ही हो जाएगा ना, तो ग्रुप 18 में जीनॉन बना लो, नोबल गैस ही हो गया ना, XE। अब मुझे चार एटम और लगाने हैं तो XeF4, समझ में आ रही बात, इन दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 7, एक माइनस है तो 8 हो गए, जीनन भी 8 होते हैं वैलेंस शेल में, Cl4 है तो F4, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम ही है ना F4 और Cl4 के आउटर मोस्ट शेल में, तो इनकी शेप सेम होगी, फिर इस तरह से सोचना है, समझ में आ गई बात। तो अब दोनों की शेप देख लेते हैं हम, XeF4 की देख लें पहले, जीनन कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 8, तो 8 है तो F4 है, चार तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो जीनन के पास 8 थे, चार तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, चार बच गए, चार मतलब दो लोन पेयर बच गए, तो लोन पेयर कितने हैं, दो लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर कितने हैं चार, चार बॉन्ड पेयर है तो 6 होगा टोटल, 6 है मतलब ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ये 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा ना, इस तरह से 1 2 3 4, और एक एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, ऊपर नीचे क्यों होगा लोन पेयर, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो सके, यहाँ FF होगा, बना लोगे, तो ये स्क्वायर प्लेनर, इसकी शेप क्या है, स्क्वायर ICl4- भी सेम है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, वही आई माइनस के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेम लॉजिक है, आई माइनस के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और चार क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो चार तो बॉन्ड पेयर बन गए, चार इलेक्ट्रॉन बच गए, चार मतलब दो लोन पेयर बच गए, यही बन जाएगा IClClCl, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके अब देखो अगला बताओ मुझे, IBr2-, आई माइनस की जगह जीनन लिख सकते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आई माइनस में उतने ही आउटर मोस्ट शेल में, जितने आई माइनस में उतने आउटर मोस्ट शेल में जीनन में, आउटर मोस्ट शेल में जितने Br2 में उतने ही F2 में, ठीक है ना बात। अब XeF2 की स्ट्रक्चर बतानी है आपको, तो सबसे पहले जीनन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं, 8 में से 2 तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2 हो गए, 8 थे 8 में से 2 गए, बचे कितने 6, 6 मतलब 3 लोन पेयर, लोन पेयर कितने हो गए 3, 3 और 2 5, 5 मतलब ट्राइगनल बाईपिरामिडल, ट्राइगनल बाईपिरामिडल में तीन लोन पेयर कहाँ होते हैं, ऐसे रहेंगे ना लोन पेयर, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो सके, ये बॉन्ड पेयर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना बात, लोन पेयर हमेशा यहाँ होता है, इसकी ये जो होता है ना शेप,
ये मैं बताऊं आपको, ए ये ट्रायंगल सा बन जाएगा, एक एक ट्रायंगल बन जाएगा ना, ये ऊपर नीचे बी 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 ऐसे है मान लो, ये क्या है, ट्रायंगल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई लोन पेयर आ जाए तो वो लोन, ये इसमें दो बॉन्ड होता है ना, ये होता है एक्सियल बॉन्ड, ये होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। अगर कोई लोन पेयर आ जाए, बी की जगह कोई लोन पेयर आ जाए, तो वो लोन पेयर आप कहाँ रखोगे, एक्सियल पे रखोगे या इक्वेटोरियल पे रखोगे, ये देखना होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d, पांच बॉन्ड है तो sp3d है। sp3d पता क्या होता है, sp2+pd, इस तरह के दो कॉम्बिनेशन से बनता है sp2 और pd। ये जो तीन बॉन्ड है ये sp2 होते हैं, ये वाले तीन, ये दो जो ये तीन है ना, ये क्या होता है sp2, ये दो क्या होते हैं pd, ये दोनों होते हैं pd। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, pd या sp2? sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो sp2 पे रहना पसंद करेगा। अगर लोन पेयर रखोगे तो आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे, ये बात समझ में आ गई। अब जीनन के पास तीन लोन पेयर है, वो कहाँ रखेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और बॉन्ड पेयर यहाँ रहेंगे, तो लीनियर शेप हो जाएगी इसकी, क्योंकि शेप आप लोन पेयर से काउंट नहीं करते, शेप सिर्फ एटम्स से काउंट होती है, तो लीनियर हो गई शेप, समझ में आ गई बात है। इसी तरह से ये भी लीनियर है। अब बी आर ओ थ्री माइनस, बी आर माइनस मतलब जीनन, आउटर मोस्ट शेल में जितने बी आर माइनस में इलेक्ट्रॉन उतने ही जीनन में है, ओ थ्री तो ओ थ्री लगा दो, एक्स सी ओ थ्री हो गया ना, एक्स सी ओ थ्री। अब एक्स सी ओ थ्री की शेप गैस करनी है, जीनन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आठ। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो तीन ऑक्सीजन है तो छह इलेक्ट्रॉन तो ही कंज्यूम हो गए जीनन के, बचे दो, दो बचे ना, तो लोन पेयर कितना आ गया, एक। और सिग्मा बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर तो ऐसे छह हैं, पर हम तो सिग्मा बॉन्ड देखते हैं ना सिर्फ, सिग्मा बॉन्ड तो तीन होंगे ना, नहीं समझ आई बात, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा ना, उसमें से एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड तीन हो गए, तो टोटल कितने हो गए, चार, चार मतलब sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, उसमें से एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो फिर पिरामिडल रह जाएगा शेप इसका, हाँ ये आ गया इसका शेप पिरामिडल, ठीक है ना, एक्स सी ओ थ्री बन गया ना पिरामिडल, ट्रायंगल पिरामिडल, बी आर ओ थ्री माइनस की भी यही शेप है।